लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद देशभर में राजनीतिक पार्टियां आगे की रणनीति तैयार करने में जुटी है और इसी कड़ी में आज शाम कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक हुई। बैठक में राहुल गांधी की संसदीय सीट को लेकर फैसला हुआ। बैठक के बाद खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ेंगे और रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। इसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी और इस मीटिंग में सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और केसी वेणुगोपाल भी शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं। वायनाड का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गर्व की बात होगी। मैं एक अच्छा प्रतिनिधि बनने की कोशिश करूंगी। सोच समझ के हमने ये तय किया कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को उन्होंने रखी है और माना है दोनों ने। इसीलिए मैं आपके सामने आके डिक्लेयर कर रहा हूं कि दोनों एक तो रायबरेली सीट रहेगी और वायनाड में भी वो प्रियंका जी रहने से वहां के लोगों को भी एक हिम्मत मिलेगी कि राहुल गांधी जी यहां से छोड़े तो भी वो छोड़ के तो जाने वाले नहीं है, छोड़े तो भी प्रियंका जी एक उन्होंने एक ये स्लोगन दिया है यूपी में जब ये हाथरस का ये हादसा हुआ था तो उस वक्त उन्होंने कहा था मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो वो लड़की लड़ सकती है वहां से और हमारे पार्टी की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि बहुत कठिनाई में भी उन्होंने हमारा साथ दिया। शी इज गोइंग टू बी शी इज गोइंग टू फाइट द इलेक्शन। आई एम कॉन्फिडेंट शी इज गोइंग टू विन द इलेक्शन एंड शी इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेटिव for the people of Wayanad. People of Wayanad can think about it like this. You have now two members of parliament. One is my sister and one is me. And my doors are always open for you throughout the rest of my life. And I love every single person in Wayanad. Thank you. I'm very happy to be able to represent Wayanad. And all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me. But I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मैं मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता, उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं। और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी।